जय माता दी। नवरात्र का आज फर्स्ट डे है, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही इंस्टेंट और झटपट बनने वाले बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब माता रानी के लिए भोग। इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे और इसमें आधी कटोरी चीनी डालेंगे, और यहाँ मैंने छोटी कटोरी का यूज़ किया है, तो आप जो भी मेजरमेंट करें एक कटोरी या कप सेट कर ले। और अब हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी पानी। चीनी और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे चीनी को हम अच्छे से पानी में घुल जाने तक हमें इसे पकाना है। और अब आप देख सकते हैं चाशनी हमारी बहुत ही अच्छे से बन गई है और बिल्कुल चिपचिपी है। तो फ्लेवर के लिए हम इसमें 1 इलायची को इस तरीके से खोल के इसके दाने डालेंगे, जिससे चाशनी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगी। और अब हम चाशनी को साइड में रखेंगे और अब हम एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे और पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। पैन हमारा हल्का गर्म हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ मैंने जमे हुए घी का यूज़ किया है। अगर आप मेल्टेड घी का यूज़ कर रहे हैं तो आप 4 चम्मच इसमें घी डालें। घी डालकर हम घी को अच्छे से पैन में फैला लेंगे, जिससे घी हमारा अच्छे से हीट हो जाएगी और पैन में अच्छे से ये फैल भी जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, घी हमारी अच्छे से गर्म हो गई है, तो हम इसमें हमारे पसंदीदे ड्राई फ्रूट डालेंगे। यहाँ मैंने काजू और किशमिश का यूज़ की हूँ, आप अपने और पसंद के ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। काजू और किशमिश डालकर इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से घी में फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो ड्राई फ्रूट का बहुत ही बढ़िया क्रंच और फ्लेवर आएगी, और हमारे ड्राई फ्रूट भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे कटोरी में निकाल लेंगे, जिससे ये अच्छे से ठंडे हो जाएगी और भी ज़्यादा ये फ्लेवरफुल हो जाएगी। और इस रेसिपी को आप सेम तरीके से गुड़ से भी बना सकते हैं। और अब घी हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म है, तो हम इसमें 2 चम्मच सूजी डालेंगे। सूजी डाल करके हम इसे अच्छे से पैन में 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे, जिससे इसमें कलर नहीं आएगी लेकिन सूजी हमारी बहुत ही अच्छे से सिक जाएगी। और आप देख सकते हैं इसे कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहेंगे, जिससे सूजी अच्छे तक सिकेगी और ये घी में बहुत अच्छे से भुन भी जाएगी। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट ही पकाएंगे, इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो इसमें कलर आना स्टार्ट हो जाएगी। और अब आप देख सकते हैं सूजी हमारी काफ़ी अच्छे से सिक गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 चम्मच बेसन डालेंगे। यहाँ मैं बेसन और सूजी को मिक्स करके इस रेसिपी को बना रही हूँ। ये बनाना जितना ज़्यादा आसान है, यकीन मानिए खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब लगेंगे। और बेसन डालकर हम इसे भी कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब आप देख सकते हैं बेसन और सूजी का कलर बहुत ही अच्छा आ गया है और इसमें से बहुत ही बढ़िया और सौंधी खुशबू आ रही है। और आप देख सकते हैं दोनों बहुत ही बढ़िया और ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो हमें इसे इसी स्टेज तक भूनना है, और आप इस तरीके से स्पैचुला से इसे दबा लें, जिससे बेसन में जो भी लम्ब्स होंगे वो अच्छे से टूट जाएंगे और बेसन हमारे बिल्कुल भी कच्ची नहीं लगेगी। और अब आप देख सकते हैं हमारा सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से भुन गई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके चाशनी डालेंगे, और इस टाइम पे आप गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, जिससे हमारा जो सूजी और बेसन है चाशनी को धीरे धीरे ऑब्जर्व करेगा, तो ये अंदर तक बहुत ही अच्छे से पकेगी और एकदम रसीली बनेगी। और हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही इस तरीके से स्पैचुला से कंटिन्यू चलाते रहेंगे, जिससे ये तले में बिल्कुल भी नहीं लगेगी और इसका एक एक दाना एकदम चाशनी को अच्छे से सोख लेगा। और मेरी गारंटी है कि आप एक बार इस तरीके से बेसन और सूजी का ये इंस्टेंट और झटपट बनने वाला हलवा या मीठा बना करके देखें, मेरी गारंटी है कि घर में बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाली है। और इस तरीके से आप बनाकर आप नवरात्र में माता रानी को भोग भी लगा सकते हैं। और ये रसीला हलवा बनाना जितना ज़्यादा इजी है, खाने में ये कहीं ज़्यादा लाजवाब लगते हैं। और अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके चाशनी सारे के सारे अच्छे से हलवे में सोख हो गई है। तो हम इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जितना आपको कंसिस्टेंसी हलवा का चाहिए आप उतना पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अभी ये काफ़ी लिक्विड है, तो मैं इसे
और 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए पकाऊंगी, जिससे ये अच्छे से और भी ज़्यादा थोड़े से गाढ़े हो जाएंगे। और ये हलवा नॉर्मल जब हम सूजी का हलवा बनाते हैं तो वो ठंडा होने के बाद ड्राई हो जाता है, ये हलवा ठंडा होने के बाद भी बिल्कुल ड्राई नहीं होगा और एकदम सॉफ्ट बनी रहती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, हमें हलवा का इतना ही थिकनेस चाहिए। और अब हम इसमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट यहाँ मैंने फ्राई करके डाला है, जिससे इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहें तो बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे चलिए कटोरी या फिर प्लेट में सर्व कर लेंगे। और इस तरीके से आप इंस्टेंट और झटपट व्रत स्पेशल मीठा बनाना चाहते हैं तो इसे बनाएं। और मेरी भी गारंटी है कि सभी को ये बहुत पसंद आने वाली है। और आप चीनी की जगह इसमें गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और यहाँ मैंने इस पे कटे हुए थोड़े से बड़े वाले बादाम डाल दी हूँ, तो और भी ये ज़्यादा कलरफुल और टेस्टी लग रहा है। और अब आप देख सकते हैं हमारा हलवा बहुत ही ज़्यादा लाजवाब दिख रही है, लेकिन आप इसे जब बना के खाएंगे तो ये इससे भी कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट और अच्छी लगने वाली है। तो इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और व्रत में भी आप इसे इजीली बना करके खा सकते हैं। ये मुश्किल से 5 से 7 मिनट में बन जाते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।